पढ़े, तीन लेक्चर पढ़े, वीडियो वन, वीडियो टू, वीडियो थ्री, जिसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सीरीज होती हैं वो कितने तरीके से होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। एक हमने डायरेक्ट सिमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, जैसे कि हमने पढ़ा मीन का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। अब उसके बाद बारी आती है कॉन्टीन्यूस सीरीज की। एक्चुअली में मीन जब हम निकालते हैं तो मीन का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज भी होता है। मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है शॉर्टकट और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मेथड कितने होते हैं, तीन, लेकिन अभी हमने फोकस किया था किस पे, केवल डायरेक्ट पर, जिससे आपका ज़्यादा दिमाग ख़राब ना हो। इस हमारे सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने ये मेथड के बारे में कुछ बताया नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अब यदि आगे की बात मैं करता हूँ तो थोड़ा कॉन्टीन्यूस शुरू हुआ है, नमस्ते। और जो कॉन्टीन्यूस सीरीज होती है इसे किस तरीके से समझते हैं अब इसके बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहली डायरेक्ट सीरीज दे रखी होगी इस तरीके से, सी आई, सी आई दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर। जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो तो हमें सबसे पहले निकालना होता है मिड पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स। कई बुकों में एक्स की जगह प्लस करके क्यों सके भाई, हाँ, कई जगह एक्स की जगह पे क्या लिखा होगा, एम। तो हमें लोअर और अपर को प्लस करना होगा। 0 और 10 में 0 कौन सी लिमिट है, लोअर, और 10 कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट है। तो 0 में 10 जोड़ा, डिवाइड करा 2 से, कितना आ गया, 5। तो यानी ये निकल के आया 5, 10 और 20 के बीच में 25, 35, 40, क्लियर। तो ये निकला एफ और ये निकला एक्स। अब हम क्या करेंगे, एफ की मल्टीप्लाई एम से, एफ एम नमस्ते भाई, फाइव बंजा फाइव, 15 दूनी 30, 25 दिया नमस्ते, 140 नमस्ते भाई, 45 पंजे 225, सबको जोड़ा, 5 4 9 3 12 13 14 1, कितना आया। अब ऐसे ही था जोड़ा, 225 में 75 जोड़े, 225 में 75 जोड़े, 300 में 140 जोड़े, 440 440 में 30 जोड़े, 470 470 और 5। फॉर्मूला सेम, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा 475 डिवाइड बाय 15 15 45, 2 25, 15 1 15, 15 96, 90, 31.6 के आसपास। क्लियर हो गया।